तो भगवान महादेव कहते हैं उमा कि मैंने व्यक्ति के कल्याण करने के लिए सात बारों का गठन किया। ये सात बार बनाए हैं, सोम रविवार, सोमवार, मंगलवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार। रविवार से शनिवार तक सात बार बनाए हैं, इन सात ही बारों में आप लोग कल्याण कर सकते हैं अपना। रविवार सूर्य का वार होता है और रविवार को अगर आपको सोना गैस खरीदना है तो रविवार के दिन खरीदना चाहिए। रविवार को सोना घर में आया हुआ अच्छा होता है और सोना आता है और सोना आता है, इसलिए आप जब भी लेकर के आओ सोने के आभूषण आदि तो रविवार को लेके आओ। रवि मांस मीन्स संडे, आज संडे समझते हैं क्या? समझते हैं इतवार? अच्छा अच्छा, संडे ज्यादा समझते हैं इसलिए मैंने बताया आपको। चलो रविवार सूर्य का वार हो गया, अब सोमवार शिव का वार है। तो कोई भी मंगल कार्य करना है, शुभ कार्य करना है तो भगवान महादेव के वार को सोमवार को करिए। सोमवार शुद्ध वार, कोई भी इस प्रकार के लिए अगर आपको अचानक कोई कार्य करना पड़ जाए, कोई मुहूर्त नहीं है तो शुभ वार देख करके मुहूर्त किया जा सकता है, इसलिए हम वार बनाए हैं। अब मंगलवार बनाया किसका? हनुमान जी का। अरे बड़े ज्ञानी हो आप लोग। हाँ, मंगलवार हनुमान जी का वार। वैसे तो भगवान की ये वार बनाने का मतलब ये था कि चलो भाई व्यक्ति नारकीय ज्यादा है, ज्यादा पापी है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, सुरापानी है, तो इसके लिए ये सात बार बना दो, कम से कम कुछ तो शर्म करे। अरे पीने वाले कम से कम मंगलवार तो छोड़ दो, नहीं तो गदा पड़ेगी सिर पर हनुमान जी की, अकल ठिकाने आ जाएगी। तो मंगलवार हनुमान जी का वार है, हनुमान जी को प्रसन्न करना है, पवित्र रहना है, उनका दर्शन करना है तो मंगलवार को करिए। और बुधवार, हाँ गणेश जी का, वाह वेरी गुड, बुधवार गणेश जी का वार है। अगर कोई संकट आ रहा है तो गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। गणपति बापा मौर्या, तो गणेश जी हमारे समस्त प्रकार के विघ्नों का विनाश करते हैं, इसलिए उनका एक नाम है विघ्नेश्वराय, विघ्नों का हरण करने वाला। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सुत यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। और बृहस्पतिवार विष्णु जी का वार। अब देखो इन बारों में भी भगवान ने अपना एक रूप प्रताहित कर दिया, अपना रूप समा दिया है। तो बृहस्पतिवार को चने की दाल और गुड़, हल्दी, मुनक्का आदि का भोग केले के रूप वृक्ष में लगाइए, केले के वृक्ष में ही विष्णु जी निवास करते हैं। तो बृहस्पतिवार को केले का पूजन, लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है तो लक्ष्मी जी की विशेष अनुकंपा होती है। और शुक्रवार संतोषी माता भी है, लक्ष्मी माता का भी है। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए शुक्रवार संतोषी माता का वो तो व्रत है, लेकिन लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए शुक्रवार बताया गया है। शुक्रवार को श्री सूक्तम का पाठ अगर किया जाए 16 बार तो लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। प्रत्येक शुक्रवार को 16 बार श्री सूक्तम का पाठ अगर किया जाए, ओम हिरण्यवर्णा हरणीम सुवर्ण रजत सजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो में आवहे, ये इस प्रकार से 16 मंत्र हैं। तो नित्य प्रति 16 पाठ हर शुक्रवार को किए जाएं
तो लक्ष्मी जी कभी भी उस घर को छोड़कर के नहीं जाती, वो समहिसा गरुड़ पर सवार होकर के ही निवास करती हैं। चोरी का धन, जुआ का धन, बेईमानी का धन और दूसरे के धन पर नजर रखने वाला, इनके घर में अगर लक्ष्मी आती है तो वो लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के घर में निवास करती है। ध्यान रहे, अशुभ कर्म के द्वारा लाया हुआ धन घर में नहीं फलता। जो धन आपके घर में आ रहा है उस धन को पवित्र करने के लिए लक्ष्मी की उपासना करो, घर में घी का दीपक जलाओ, घर में अपने चौखट पर स्वास्तिक बनाओ, अपने देहली पर देहली विनायक गणेश जी का पूजन करो, वहाँ स्वास्तिक बनाओ और संध्या समय अपने देहली पर भी स्वास्तिक बना करके दोनों तरफ चौखट के दाएं बाएं दो दीप जलाने चाहिए। उसे संध्या काल में जब शिव और पार्वती जब विचरण करते हैं तो उसके घर में प्रवेश करती हैं। अब जिनके घर में दीपदान नहीं होता चौखट पर, वहां से शिव महादेव और पार्वती बस झांकते भी नहीं हैं, घर के सामने से निकल जाते हैं। और जिस घर की चौखट पर दीपदान किया जाता है, दीपक जलता है संध्या के समय, वहां शिव और पार्वती दोनों झांक करके देखते हैं कि मेरा भक्त कल्याण, मेरे भक्त का कल्याण हो और हमेशा मेरा भक्त सुखी रहे, संपन्न रहे। शिव पुराण बहुत कुछ सिखाती है, शिव पुराण में बहुत कुछ है। और किसी भी प्रकार की अगर रोग सुख हो जाए ना, और पापों को दुख समन करने के लिए हमारे भारतवर्ष में कितनी नदियां हैं, ये नदियां भी जीव के पाप को धोने के लिए आती हैं। अब देखिए आप ये मत समझे नदियां ही हैं, ये कोई नदी नहीं है, ये कोई तालाब नहीं है, इनके सबके मुख हैं। भारतवर्ष में एक वैज्ञानिक हुए थे, उस वैज्ञानिक ने ये निरीक्षण किया कि जो पत्थर है ना, इसे हम पाषाण कहते हैं, ये पत्थर में भी शक्ति है, पत्थर भी पिघलता है, पत्थर भी रोता है, पत्थर को भी जलन होती है, पत्थर को भी क्रोध आता है, और पत्थर नरम होता है, गर्म होता है, उसमें भी चेतना है। वृक्ष, वृक्ष भी चेतन है, ये भी हंसते हैं, रोते हैं, खाते हैं, देखते हैं, सोते हैं। तभी तो कहते हैं ऋषि मुनि सायंकाल अगर किसी वृक्ष के नीचे से आप निकल रहे हैं तो किसी टहनी से हाथ ना लग जाए, किसी पत्ते से हाथ ना लग जाए, कहीं वो जाग न जाए, हमें कोई सांप ना दे दें। संध्या काल सूर्य जब अस्त हो जाता है तो वृक्ष सो जाते हैं और ठीक 4 बजे सूर्य उदय होने से पूर्व ही ये वृक्ष जाग जाते हैं। आज का आदमी तो 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठता है, 11 बजे उठता है, लेकिन वृक्षों का एक नियम है, ये ठीक सूर्य उदय से पहले भोर वेला में 4 बजे जाग जाते हैं। और ये नदियां भी सोती हैं, रात्रि काल में नदी भी सोती हैं, और ठीक भोर वेला में सूर्य जब लालिमा की किरणें बिखेरता है उस समय ये अपना आंख खोल करके बहना प्रारंभ करती हैं।